मैं तो कहती हूँ बहन, बहुत सुख में रहोगी। अरे ना कोई सास है ना नंदों का झगड़ा, राज करेंगी तुम्हारी बेटियां राज। इतनी जल्दी इनकार मत करो, दो तीन दिन सोच लो। वैसे बशीर भाई ने ना तुम्हारे मतलब की भी एक बात कही है, वो तो चाहते हैं कि तुम उनसे शादी कर लो। अरे इतनी अच्छी ऑफर है, मना मत करना, फौरन हाँ में भर लो। मैं तो कहती हूँ कि जिस किराए के मकान में तुम रहती हो ना, बैठे बिठाए उसकी मालकिन बन जाओगी और तुम्हारी लड़कियां तुम्हारी नजरों के सामने रहेंगी, सारे दिल अंदर दूर हो जाएंगे। कितने खुदा तरस आदमी है बशीर भाई, वरना इस उम्र में तुमसे कोई शादी करने का सोच भी नहीं सकता। शर्म आनी चाहिए आपको बहन, इतनी देर से आप मेरे और मेरी बेटियों के लिए मुंह भर भर के बोले जा रही हैं। थोड़ी सी तो शर्म कर ले, और कुछ नहीं तो औरत होने का लिहाज ही कर लेती। आपने सोचा है कि कोई आपके लिए आपकी बेटियों के लिए इस तरह कहे तो आप पे क्या बीतेगी? अरे कोई बोल के तो देखे, मुंह ना नोच लूंगी मैं उसका। हम शरीफ औरतें बीबी, शरीफ औरतें। अरे वाह, आपके परों पे पानी पड़ा तो कैसे बुलबुला उठी, और आप जो इतनी देर से हमें उसका रही है उस कीचड़ में धकेलने के लिए, वो क्या है? और आप वही है ना जिसने बशीर से कहा था कि मैं इन बच्चियों की सौतेली माँ? हाँ हाँ, जब तो मैं समझी कि तुम लोग शरीफ लोग हो और बशीर भाई ने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया है चोरी का, लेकिन बाद में मुझे पता चल गया तुम्हारी असलियत का। अच्छा, जरा मुझे भी तो पता चले कि क्या है हमारी असलियत। बस बस रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। अगर मेरा मुंह खुल गया ना ये, तो कहीं मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहोगे तुम। हमने जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया है जो हमें अपना मुंह छुपाना पड़े। अगर कोई बकवास करता है ना तो करता रहे। अच्छा, तो फिर ये सारे मोहल्ले के मर्द तुम्हारी तरफदारी क्यों करते हैं? क्यों बशीर भाई से कबड्डी लड़ने आ जाते हैं, जबकि सब जानते हैं, पूरा मोहल्ला जानता है कि बशीर भाई कितना परेशान करते हैं लोगों को। किसी की हिम्मत नहीं है कि मैदान में आके उनसे लड़े। लेकिन वो फहद कैसे बशीर के बेटे नजीर से लड़ने के लिए खड़ा हो गया? बताओ मुझे, बताओ, तुम्हारे भाई का बेटा है क्या वो? हमने किसी से नहीं कहा था कि वो हमारे लिए लड़ने खड़ा हो जाए। उसके अंदर इंसानियत थी तो इसलिए हमारे हक में बोला उसने। वाह भाई वाह, दुनिया मैंने भी देखी है, कोई भी बगैर लालच के इंसानियत नहीं दिखाता। अरे मैं तो कहती हूँ कि तुम्हारी किसी न किसी बेटी ने उसे जरूर फंसा रखा है, जब भी तो वो इंसानियत और हमदर्दी दिखा रहा है तुम्हें। बस बस बहुत हो गया, अब आप एक लफ्ज नहीं बोलेंगी। बेहतर है आप यहाँ से चली जाए, वरना मैं आपको बेइज्जत करके इस घर से निकाल दूंगी। जाए यहाँ से। हाँ 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 हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है इस घर में बैठने का, लेकिन एक बात तुम भी कान खोलकर सुन लो कि जो शराफत का ढोंग है ना, ये रचाना बंद कर दो, कोई नहीं आएगा तुम्हारी बातों में। बेहतर यही है कि या तो ये घर छोड़कर चली जाओ, या तीनों की तीनों इसी घर में शादी करो, समझी? जाए जाए यहाँ से, आइंदा बताइएगा। अरे जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का।